एक बार फिर से किसान खापों की अगुवाई में सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे। इस दौरान कर्मचारी व सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर 31 मार्च को रोष प्रदर्शन करेंगे और पीएम मोदी का पुतला भी फूंकेंगे। ये निर्णय फोगाट खाप की अगुवाई में दादरी के स्वामी दयाल धाम पर हुई सर्वजातीय सर्व खाप महापंचायत में लिया गया। फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार की अध्यक्षता में हुई और महापंचायत में कई और अहम निर्णय भी लिए गए। दादरी जिला की सरोखाप पंचायत इसलिए बुलाई थी जिसमें दादरी जिला की सभी काफी थी, सभी व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन, दादरी शहर के 36 बिरादरी के संगठन मौजूद थे और वो पंचायत इसलिए बुलाई थी क्योंकि 31 जनवरी का अपने इसका एसकेएम का संदेश आया है संयुक्त किसान मोर्चा का कि भाई 31 तारीख ने हर तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति साहब के नाम, डीसी साहब के माध्यम से कि भाई जैसे जिस टाइम हमने आंदोलन स्थगित किया, जो होम सेक्रेटरी की सेक्रेटरी साहब की जो चिट्ठी आई थी लिखित में उन्होंने दिया था कि आपकी सभी मांगे माननी जाएंगी और जल्द से जल्द इनका समाधान कराया जाएगा, लेकिन उसमें ना तो भाई कोई मुकदमे अभी तक वापस हुए हैं, ना एमएसपी के ऊपर सरकार, ना हमारी जो शहीद किसान मोर्चा की 5 आदमी कमेटी थी उसके उसको बुला के कोई बात की है, ना हमारे किसान जो शहीद हो गए उनको आर्थिक मदद के बारे में बात हुई है, और जो अजय टनी मिश्रा जो मंत्री है इस सरकार के अंदर उसके लड़कों के ऊपर जो आरोप सिद्ध हो चुके हैं उसके ऊपर भी भाई सरकार ने मतलब कोई डिसीजन नहीं लिया, उसने मतलब अभी तक कोई इस्तीफा दिया है, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर ये मीटिंग बुलाई थी और 31 जनवरी को दादरी जिले के सरोखाप ने अपनी जिम्मेवारी तय करके सब भाइयों की जिम्मेदारी नियुक्त की है कि भाई 31 तारीख को सुबह 10 बजे जो रोज़ गार्डन है दादरी में पार्क, वहाँ पर सब भाई इकट्ठे होंगे और भाई उस दिन चलते मोदी प्रधानमंत्री उसका पुतला दहन किया जाएगा और डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति साहब के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन सरकार ये चाहती है कि भाई कोई भी पत्रकार ऐसा ना करे कि सरकार के प्रति मतलब कोई भी इसी बात ना दिखाए, लेकिन भाई पत्रकारिता में जो पत्रकार सही रूप से काम कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी भी और वो दिखाएं मीगे, उनके साथ हमारे जिले की सभी खापे भी खड़ी हैं और सभी सामाजिक संगठन भी खड़े हैं, वे पत्रकार भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके प्रति यदि कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा तो हम बिल्कुल डिसीजन लेंगे। साहब जैसे हमने हमारी दादरी जिले की सभी खापों से अपील की है कि भाई उस दिन ट्रैक्टरों को लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टरों को लेके आओ और किसानों का झंडा लगा के हम मतलब उस दिन का विरोध प्रदर्शन है वो ट्रैक्टरों के जरिए भी हम हमारा प्रदर्शन करेंगे, तो ये सरकार जो हमारे किसान भाई हैं उनको मतलब कहाँ कहीं ना कहीं डरा धमका के मतलब घरों में दुबकाने की कोशिश कर रही है कि आंदोलन के अंदर ना आए, लेकिन हमने सरकार से एक चेतावनी के रूप में भी ये बात कह रहे हैं कि भाई ऐसा काम जल्द से जल्द है तो बंद कर दे उसको तुरंत, नहीं तो भाई दादरी शहर की सभी खापे, क्योंकि आपने देखा है सब बात पत्रकार भाइयों ने एक साल से हमने दादरी शहर को कई दफ़ा जाम किया है और आगे भी हमारे किसान भाइयों के ऊपर यदि कोई विपदा पड़ेगी तो हम दादरी शहर को जाम करने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाएंगे।